वेलकम टू माई स्टडी चैनल फ्रेंड्स, आर टूडेज टॉपिक इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्लिक स्टेटमेंट। दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द JKSSB पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम। सो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन इज कैपिटल बजटिंग एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन डैश। कैपिटल बजटिंग एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजंस इन हेयर। ऑप्शन ए इज सेल्स प्लानिंग, बी इज प्रोडक्शन प्रोसेस एंड स्टाइल, सी इज फिक्स्ड एसेट्स एंड डी इज करंट एसेट्स। फ्रेंड्स, एयर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स। कैपिटल बजटिंग एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्टेन ए, हाई कैपिटल गियरिंग लीड्स टू ग्रेटर स्पेकुलेशंस। हाई कैपिटल गियरिंग लीड्स टू ग्रेटर स्पेकुलेशंस। हेयर आर इज प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इन रिलेशन टू द टोटल कंप्राइजिंग द अदर सिक्योरिटीज इज स्मॉल लीडिंग टू कैपिटलाइजेशन बींग हाईली गियर। हेयर आर इज प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इन रिलेशन टू द टोटल कंप्राइजिंग द अदर सिक्योरिटीज इज स्मॉल लीडिंग टू कैपिटलाइजेशन बींग हाईली गियर। हेयर ऑप्शन ए इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फ्रेंड्स, हेयर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। हेयर आंसर इज केपी इज इक्वल टू डी प्लस विद इन ब्रैकेट एम बी माइनस एन पी ओब्लिक एन ब्रैकेट क्लोज ओब्लिक ब्रैकेट शुरू एम बी प्लस एन पी ओब्लिक टू ब्रैकेट क्लोज। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल सिग्नलिंग। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल सिग्नलिंग मैनेजमेंट बिहेवियर रिजल्ट्स इन न्यू डेबिट इश्यूज बींग रिगार्डेड एज डैश न्यूज बाय इन्वेस्टर्स। हेयर आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज गुड। इन अदर ऑप्शन आर बैड नॉन इवेंट एंड रिस्क न्यूट्रल। हेयर आंसर इज गुड न्यूज। वंस अगेन द क्वेश्चन इज According to the concept of financial signaling, management behavior results in new debit issues being regarded as good news by investors. Next question is, factoring is a. Here option A is financial planning, B is production plan, C is cost of sale and D is new financial service. So friends, here answer is option D, that is new financial service. Factoring is a new financial service. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया है बट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज न्यू फाइनेंशियल सर्विस। फैक्टरिंग इज अ न्यू फाइनेंशियल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैन बी कंप्यूटेड बाय। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैन बी कंप्यूटेड बाय। हेयर ऑप्शन ए इज परसेंटेज सेल्स परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैन बी कंप्यूटेड बाय परसेंटेज सेल्स परसेंटेज प्रॉफिट। बी इज परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सो फ्रेंड्स, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैन बी कंप्यूटेड बाय परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम परसेंटेज चेंज इन सेल्स। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Given KE is equal to DPS oblique MP multiply by 100. Friends, यहाँ पे multiply का sign आएगा। This formula may be used in dash. Given KE is equal to DPS oblique MP multiply by 100. This formula may be used in किस में होता है? Here option A is calculating cost of equity share capital. B is reserve, C is calculating capital structure. Here option A is the right answer, that is calculating cost of equity share capital.
ये जो फार्मूला है कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए क्या होता है, इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फार्मूला मे बी यूज्ड फॉर ईपीएस। हेयर ऑप्शन ए इज नेट इनकम डिविडेंड ऑब्लिक नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई शेयर कैपिटल। बी इज नेट इनकम डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक ऑब्लिक एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स। हेयर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज नेट इनकम डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक ऑब्लिक एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ईपीएस के लिए जो है कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है, मे बी यूज फॉर ईपीएस, विच फार्मूला मे बी यूज फॉर ईपीएस। सो नेट इनकम डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक ऑब्लिक एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स मे बी यूज फॉर ईपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्ट्रीज इन्वॉल्व्स। हेयर ऑप्शन ए इज परचेज एंड कलेक्शन ऑफ डेबिट्स, बी इज सेल्स लेजर मैनेजमेंट, सी इज प्रोविजन ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज रिलेटिंग टू क्रेडिट इन्वेस्टमेंट एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स हेयर आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। फैक्ट्रीज इन्वॉल्व ऑल ऑफ द अबव, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मैथड ऑफ कैपिटल बस्टिंग कॉल्ड बेनिफिट कैश रेशियो। विच मैथड ऑफ कैपिटल बस्टिंग कॉल्ड बेनिफिट कैश रेशियो। हेयर आंसर इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स नंबर। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स नंबर ऑफ कैपिटल बस्टिंग कॉल्ड बेनिफिट कैश रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स नंबर ऑफ कैपिटल बस्टिंग कॉल्ड बेनिफिट कैश रेशियो, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ कैश फ्लोज आर नॉट यूनिफॉर्म द कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड टेक्स अ। हेयर ऑप्शन ए इज कॉम्फर्ट प्रॉफिट, बी इज फेवरेबल पोजिशन, सी इज कम्युलेटिव फॉर्म एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। हेयर फ्रेंड्स आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कम्युलेटिव फॉर्म। इफ कैश फ्लोज आर नॉट यूनिफॉर्म द कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड टेक्स अ कम्युलेटिव फॉर्म। वंस अगेन इफ कैश फ्लोज आर नॉट यूनिफॉर्म द कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड टेक्स अ कम्युलेटिव फॉर्म। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विद द ग्रेटेस्ट रिलेटिव रिस्क वुड हैव। द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विद द ग्रेटेस्ट रिलेटिव रिस्क वुड हैव। हेयर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज द हाइएस्ट कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विद द ग्रेटेस्ट रिलेटिव रिस्क वुड हैव द हाइएस्ट कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज डैश। हेयर आंसर इज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस आर ई बी आई टी ऑब्लिक परसेंटेज चेंज इन ई बी आई टी माइनस इंटरेस्ट। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज डैश। हेयर आंसर इज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस आर ई बी आई टी ऑब्लिक परसेंटेज चेंज इन ई बी आई टी माइनस इंटरेस्ट, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंफॉर्मेशन इफेक्ट रेफर्स टू द नोशन दैट। द इंफॉर्मेशन इफेक्ट रेफर्स टू द नोशन दैट। हेयर ऑप्शन ए इज अ फ्रेंड्स हेयर आंसर इज अ कॉरपोरेशंस एक्शन मे कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स फ्यूचर prospectus. The information effect refers to the notion that a corporation's action may convey information about its future prospectus. So this is the right answer. Next question is ascertain A. The investors in the capital market have been showing a decisive shift in favor of fixed income instruments. Reason or the department instruments have active secondary market. Here A is both A and R are true and R is the correct explanation of A. B is both A and R are true but R is not a correct explanation of A. C is A is true but R is false. Friends, here answer is option C, that is A is true but R is false.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिटर्न ऑन एसेट्स कैन बी कंप्यूटेड बाय. हेयर आंसर इज एनुअल नेट इनकम ऑब्लिक एवरेज टोटल एसेट्स. रिटर्न ऑन एसेट्स कैन बी कंप्यूटेड बाय एनुअल नेट इनकम ऑब्लिक टोटल एसेट्स. दिस इज द राइट आंसर. रिटर्न ऑन एसेट्स कैन बी कंप्यूटेड बाय एनुअल नेट इनकम ऑब्लिक एवरेज टोटल एसेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल इम्प्लाइड इज. हेयर आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग फंड्स. शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग फंड्स. कैपिटल इम्प्लाइड इज शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग फंड्स. हेयर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर. हेयर ऑप्शन ए इज रिसर्च एंड डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट्स. बी इज प्रोजेक्ट जनरेशन. सी इज प्रोजेक्ट एक्सपेंशन. डी इज ऑल ऑफ द अबव. फ्रेंड्स हेयर आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव. कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिसर्च एंड डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट्स. बी इज प्रोजेक्ट जनरेशन एंड सी इज प्रोजेक्ट एक्सपेंशन. सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइजेज रिस्क इन कैपिटल बजटिंग एनालिसिस बाय एडजस्टिंग एस्टिमेटेड कैश फ्लोज एंड इम्प्लाइज रिस्क फ्री रेट टू डिस्काउंट द एडजस्टेड कैश फ्लोज. विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइजेज रिस्क इन कैपिटल बजटिंग एनालिसिस बाय एडजस्टिंग एस्टिमेटेड कैश फ्लोज एंड इम्प्लाइज रिस्क फ्री रेशो रेट टू डिस्काउंट द एडजस्टेड कैश फ्लोज. हेयर ऑप्शन ए इज कैश. बी इज सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच. सी इज पे बैक पीरियड एंड डी इज इन्वेंट्री. फ्रेंड्स हेयर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दैट इज सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच. सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच रिस्क इन कैपिटल बजटिंग एनालिसिस बाय एडजस्टिंग एस्टिमेटेड कैश फ्लोज एंड इम्प्लाइज रिस्क फ्री रेट टू discount the adjusted cash flows. Option B is the right answer. Next question is the term capital structure refers to. Here answer is long term debit, preferred stock and common stock equity. The term capital structure refers to long term debit, preferred stock and common stock equity. So option A is the right answer. Next question is the dash method provides correct ranking of mutually exclusive projects when the firm is not subject to capital rationing. The dash method provides correct ranking of mutually exclusive projects when the firm is not subject to capital rationing. Here option A is internal rate of return. B is net present value. C is payback period and D is profitability index. Here option B is the right answer that is net present value. The net present value method provides correct ranking of mutually exclusive projects. Option B is the right answer. Next question is price ratio method is dash. Here answer is earning yield method. Price ratio method is earning yield method. So option B is the right answer. Price ratio method is earning yield method. Next question is which is Walter formula for dividend policy. Which is Walter formula for dividend policy. Here option A is VC is equal to D plus RA oblique RC within bracket E minus T oblique RC. Friends here V is capital, D is capital, R is capital and E is capital. So friends here option A is the right answer that is capital V small c is equal to D plus capital R phir small a is oblique RC within bracket E minus T bracket close oblique RC. This is the correct answer. Next question is operating leverage can be computed by. Here answer is option A that is percentage change in EBIT percentage change in sales. जिनके percentage in EBIT percentage change in sales. Operating leverage can be computed by. This question is most important. Operating leverage is computed by percentage change in EBIT percentage change in sales. Next question is dash
इज कंसर्न्ड विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ ए फर्म्स स्टॉक प्राइस डैश इज कंसर्न्ड विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ ए फर्म्स स्टॉक प्राइस हेयर ऑप्शन ए इज शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बी इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सी इज ईपीएस मैक्सिमाइजेशन हेयर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दैट इज शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज कंसर्न्ड विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ ए फर्म स्टॉक प्राइस सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इफ द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज मोर देन डैश हेयर आंसर इज वन देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इफ द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज मोर देन वन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इफ द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज मोर देन वन सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन्वॉल्व डैश कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व हेयर ऑप्शन ए इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बी इज लॉन्ग टर्म एसेट्स सी इज ए लॉन्ग टर्म फंक्शन एंड डी इज ऑल ऑफ द एबव कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व ऑल ऑफ द एबव हेयर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग हेयर ऑप्शन ए इज अकाउंटिंग मेथड बी इज पे आउट मेथड सी इज पे बैक मेथड एंड डी इज ऑल ऑफ द एबव Which is the traditional method of capital budgeting? Here, accounting, payout method, payback method, all these methods are methods of capital budgeting. Traditional method hai sare ke sare. Accounting method, payout method aur payback method sare ke sare jo hai kya hai? Traditional methods of capital budgeting. So, answer is all of the above. Next question is a sound dividend policy contains the dash features. Kya hoti hai uski features? Here, ऑप्शन ए इज ग्रेजुअली राइजिंग डिविडेंड रेट्स बी इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इन कैश सी इज स्टेबिलिटी फ्रेंड्स हेयर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दैट इज ऑल ऑफ द एबव अ साउंड डिविडेंड पॉलिसी कंटेन्स द ग्रेजुअली राइजिंग डिविडेंड रेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इन कैश एंड स्टेबिलिटी सो आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ द एबव So friends, today we have done 28 most important questions of this topic. Friends, कई बार क्या होता है कि मेरे से जो है typing error हो जाती है तो आपको उस typing error को ignore करना है और अगर आपको लगता है कहीं पे मैंने जो है किसी question का answer गलत type कर दिया है तो please आप मुझे comment करिए ठीक है तो उसको जो है हम उस problem को solve कर लेंगे There is no problem. ठीक है यू आर ऑलवेज वेलकम योर कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम ठीक है गलती हो जाती है वी हैव टू इम्प्रूव दैट सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट आवर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट वीडियोज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन प्रिपेयर बेल परफॉर्म बेल फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्टनरशिप अकाउंट्स ऑब्लिक अकाउंटिंग सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय